ये है पोखरा की मार्केट, जहाँ पे चारों तरफ होटल्स हैं। ये लेक व्यू है, इधर ही मैंने अपना होटल लिया है, तो मैंने सोचा कि आपको पूरी लेक व्यू का मैं दिखा दूँ। पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सी वैली बसी हुई है, पोखरा नेपाल में है और अपनी केव्स में काफ़ी मशहूर है। यहाँ की केव्स मैंने देखी और ऑसम केव्स थी यहाँ की। सबसे बढ़िया जो बड़ी केव है, जो महादेव गुफा यहाँ की सबसे बड़ी केव है, जिसमें जाने पर काफ़ी टाइम लगा। नीचे गहराई में थी केव और बीच में एक फाउंटेन बह रहा था। ये नंबर आप देख रहे हैं, नेपाल की गाड़ियों के नंबर ऐसे होते हैं, रेड नंबर प्लेट होगी बाइकों पे और कारों पे, और जो यहाँ की टैक्सीज होंगी या बसेज होंगी उनकी नंबर प्लेट ब्लैक होगी, ब्लैक से उनमें लिखा होगा। ये देखिए लेक के चारों तरफ है, इस साइड पे होटल्स हैं और लेक के किनारे किनारे ये जो है सड़क बनी हुई है। अभी आगे से हम यूँ घूमेंगे, घूम के हमारी लेक व्यू आएगा। ये देखिए ये पूरी पोखरा की लेक है, सेंटर प्लेस में है और काफी बड़ी लेक है। देखने में व्यू काफ़ी मज़ेदार लग रहा है और स्ट्रीट फूड यहाँ का, ये देखो फ्रूट चाट, हर चीज़ आपको खाने को मिलेगी। पर हाँ, कुछ भी खाने से पहले आप यहाँ पे रेट ज़रूर पूछ लीजिए, उसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे, इसकी भी मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा मैं कि लेक आप लोग खाना खाने से पहले कैसे। ये हो गया हमारा लेक व्यू का एंड, अभी यहाँ से भी घूम के हम लेक का व्यू दिखाते हैं। मैं राउंड ऑफ चारों तरफ लेक के मैं घूम रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, शुद्ध एयर है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है दोस्तों। पोल्यूशन के मामले में बहुत अच्छा है नेपाल। पोखरा में चारों तरफ की पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ियों पे ही घूमने का व्यू है और पहाड़ों के किनारे, ये देखो टर्न कर रहा हूँ, ये लेक आगे, फिर अभी भी मैं लेक के किनारे किनारे भी राउंड चक्कर आपको लेक का काट के दिखा रहा हूँ। बहुत
बहुत बड़ी लेक है दोस्तों, बहुत बड़ी लेक है ये। इसके अंदर बोटिंग है, इसके सेंटर में मंदिर है, टेंपल है जहाँ मैं सुबह जाऊँगा। ये देखो ये रिजॉर्ट आ गया, लॉन्च है, पाम रिजॉर्ट है, सब चीज़ें एवरीथिंग इज विल बी देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन देयर। हॉल्स आगे, ये कैफेज आगे सारे साइडों पे। ये देखो बीच कैफे, राउंड कैफे, व्यू का पॉइंट देखो आप कैसा पॉइंट है व्यू का। ये देखो लेक का, ये लेक का पूरा पॉइंट। पूरी लेक का ये पॉइंट है, बोटिंग हो रही है सब। रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, कैफेज, रिजॉर्ट, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और हाँ, यहाँ पे ड्रिंक का मैंने देखा कि हर जगह पे अवेलेबल है। आप एक नॉर्मल टी शॉप पे भी होंगे ना, उसने भी बहुत अगर रखी हुई है कि जब मन करे आप गटक जाओ। को बीच यहाँ का, लेक के किनारे ये बीच बना हुआ है जिसको कोको बीच कहते हैं। ये हम बिल्कुल बैक साइड पे लेक के आ चुके हैं और वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा जहाँ वो बाइक खड़ी है, जहाँ से लेक को देखने पर आपका भी मन करेगा एक बार नेपाल तो आना चाहिए। और नेपाल आए तो पोखरा में ज़रूर घूमिए दोस्तों, क्योंकि पोखरा इज़ द बेस्ट लोकेशन इन नेपाल। देखते हैं क्या हो रहा है। लेक के बीचों बीच है मैदान और मैदान में है चाट पकौड़ियाँ, सब चीजें खाने पीने की जगह। बस आई थिंक यहाँ तक का एंड है। वैसे ये स्ट्रीट जो है राउंड में चारों तरफ की घूम रही है।
फिर आ गया मैं लेक के बीच में, और बीच में जो है मैं राउंड मार के आऊँगा। शूटिंग चल रहा है क्या? शूटिंग चल रहा है, उधर ना जा सकूं? हैं? मेरे को बाइक लेके जाना है, पार्किंग को क्या करूंगा? हाँ क्यों? हाँ अच्छा लो, यहाँ पर लाउड ही नहीं है। ठीक है वापस चले जाता हूँ मैं, बंद। अब मैं आपको सड़क के उस साइड पे लेके जाऊंगा। उस साइड के सड़क पे भी पूरी मार्केट है, और है मार्केट है। हाँ है। ये फिर सारा होटल्स एरिया, होटल्स यहाँ आपको हर रेंज के मिल जाएंगे, जिस रेंज में आप रुकना चाहते हैं, मिनिमम से मिनिमम, हाई से हाई, जिस रेंज में भी आपको होटल चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे और इजीली अवेलेबल हैं। बस आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बार्गेनिंग तो हक है यार हमारा। यह है पोखरा की मेन मार्केट, लेक साइड सेंटर, और यह पूरी पोखरा की मार्केट है। यहाँ हर चीज आपको मिलती है। ये फुल एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए, फुल घूमिए। ये पूरी पोखरा की मेन मार्केट है चारों तरफ, दोनों तरफ।
ये टिक्को लेक है, यहाँ हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। फूल वैली, गोरा पानी,